देखिए हम आज जो डिस्कस करेंगे वेक्टर्स का चैप्टर वेक्टर एंड स्केलर, ठीक है। तो वेक्टर्स एंड स्केलर मैं शुरू कर देता हूँ। वेक्टर्स एंड स्केलर क्या करना है, हम लोगों ने 9th क्लास में जो स्टडी किया, 9th-10th क्लास में अलग अलग तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी की, जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी की, वहाँ फोर्स की स्टडी की, वहाँ पर वेलोसिटी की स्टडी की, डिस्टेंस की स्टडी की। इस तरीके से यहाँ पर ये कैटेगराइज करेंगे, यानी कैटेगरीज में बांटेंगे इनको कि किस तरह की क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, किस तरह की वेक्टर नहीं है। यानी कि जैसे कि ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे एक बॉडी है उसके ऊपर हमने 9 में पढ़ा दो फोर्स लग रहे हैं, एक 10 न्यूटन का और एक 5 न्यूटन का, दो फोर्स लग रहे हैं। तो टोटल फोर्स जो हो जाएगा, या कह दो ऐसे बोलते तो रिजल्टेंट फोर्स, और अच्छे से बोले तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा जो है उस पर लगने वाला 15 न्यूटन। वही 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के फोर्सेस दूसरे केस में बॉडी पर वही लग रहे हैं, लेकिन जस्ट ऑपोजिट लग डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इनका जो नेट आएगा, ये रिजल्टेंट जो आएगा वो किस तरह आएगा, वो आएगा 5 न्यूटन। हमने ये तो पढ़ा, इतना जानकारी है। ऑपोजिट में लगे तो इस तरह हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, और एक ही डायरेक्शन में लगे तो ऐड हो जाएगा रिजल्टेंट, यानी नेट फोर्स जो आएगा ऐड करने में आएगा, और ऑपोजिट में हो तो नेट फोर्स सब्ट्रैक्ट करने में आएगा। तो क्यों आया सब्ट्रैक्ट में और किस तरह लगेंगे, तो वो कैसे उनका रिजल्टेंट आएगा, नेट फोर्स आएगा, टोटल फोर्स आएगा, ऐसे समझ सकते हो इस तरह। तो यहाँ दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, एक स्केलर। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वो है जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। दोज आर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, दोज आर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन, जिनकी डायरेक्शन नहीं होती बट नो डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है इस तरीके से। दूसरी चीज, ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी जिनमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, लेकिन हम उन्हें वेक्टर में कंसीडर नहीं करेंगे। कैसी, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन होती है और उसकी वैल्यू भी होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, ऐसा भी बोलेंगे। और लेकिन इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी कौन, मतलब इन ये दो चीजें हैं, इसमें मैग्नीट्यूड ही हो जिसकी और डायरेक्शन नहीं हो, लेकिन करंट ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी हो उसका, वैल्यू भी हो उसकी, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी हम वेक्टर में कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, क्यों? एक मस्ट कंडीशन, एक मस्ट कंडीशन, डबल स्टार है, मस्ट कंडीशन क्या, कि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। क्या, कौन सी क्वांटिटी, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ। अब ये मैं बात में समझा, पर ट्रायंगल लॉ फॉलो करना क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी हम वेक्टर्स का एडिशन निकालेंगे, यानी सम करना सीखेंगे, कौन से लॉ से, ट्रायंगल लॉ से, उस लॉ को फॉलो यही करेंगे। इसके लिए क्वांटिटी, मेरी बात समझ में आ रही है। इनके एग्जांपल क्या क्या है क्वांटिटीज के, एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल्स हैं डिस्टेंस, कौन कौन सी चीजें हैं, स्केलर, डिस्टेंस, और ठीक है, और कौन सी चीज है, स्पीड, और कौन सी चीज है, वर्क। अब एंगल के बारे में कहें तो एंगल मैं लिख दूंगा बाद में, एंगल बड़ा एंगल है 10 डिग्री से ज्यादा है, 10 डिग्री कह दो या 10-12 डिग्री जो भी एक मोटा आइडिया, उससे ज्यादा है तो वो स्केलर की तरह काम करेगा, और 10 डिग्री तक है, 10-12 डिग्री तक, तो वो वेक्टर की तरह काम करेगा। यानी छोटा एंगल वेक्टर की तरह काम करेगा और बड़ा एंगल स्केलर की तरह काम करेगा। आप समझ में आ रही है, ये मैं बात नहीं करूंगा, आप तो समझ भाई, ये इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स। अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है तुम्हारा, वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटी वो है जो वो फिजिकल क्वांटिटी, दोज आर हैविंग मैग्नीट्यूड, दोज आर हैविंग मैग्नीट्यूड, यही वैल्यू, मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलेंगे, वैल्यू बोलेंगे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो, एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो। As well as direction also, यानी इसमें
इनके मैग्नीट्यूड भी होगा और इनके डायरेक्शन भी होगा। फिर दोबारा उस कंडीशन ले लेते हैं कि हर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिनमें दोनों चीजें मौजूद है वो वेक्टर नहीं होगी, जैसे इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं है। क्यों? दोनों चीजें हैं, उसकी वैल्यू भी है, उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन भी है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, यानी दो वेक्टर्स का ट्रायंगल लॉ से हम एडिशन करेंगे बाद में उसको वो फॉलो नहीं करती। तो ये कहेंगे सॉरी करंट फॉलो नहीं करता, इसलिए इसके अलावा यहां पर करंट भी लिख सकते हैं। यहां पर क्या लिख सकते हैं? करंट, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, या दिस फॉलो, दिस फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एडिशन पढ़ना है आप लोगों को इस तरीके से, ठीक। अब देखो इसके एग्जांपल्स देंगे हम लोग, वेक्टर्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो देखो एग्जांपल कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इसके, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, अभी के लिए तो हम याद रख लेंगे बाद में और सीख लेंगे, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सॉरी मैं आगे बात इस तरीके से, ये इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? नहीं हुआ? ये चीज सबको समझ में आई नहीं, ठीक। अब इसके आगे हम ये देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी की स्टडी करेंगे, स्केलर इंट्रोडक्टरी था, इसमें पूरी वेक्टर्स क्वांटिटी का एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, यानी दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना है तो ऐड कैसे करेंगे, ऐड वन वेक्टोरिकली ऐड वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे यानी वेक्टोरिकली सब्ट्रैक्ट करना, और व्हाट कैसे करेंगे उसका, और उन चीजों की क्या एप्लीकेशन है फिजिक्स में या मैकेनिक्स में, किस किस तरह वो काम में आएंगे, क्लियर हुआ आपको? ये सब पढ़ेंगे। तो वेक्टर्स का ही है पूरा चैप्टर इस तरीके से। अब आगे लेके चले अगला देखो, सिंबल, वेक्टर्स का सिंबल क्या है, समझ में आ रही बात? सिंबल ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर का सिंबल क्या है, वेक्टर को सिंबल ही करें कैसे बताएंगे? देखिए इस तरह ए वेक्टर, बी लिखेंगे अल्फाबेट, फिर बी के ऊपर एरो लगा देंगे, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इस तरह से। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इस तरह समझने के लिए, समझने के लिए मोटा मोटा ये चीज डायरेक्शन वाली ही चीज है, क्या है, डायरेक्शन वाली चीज है, और ये चीज मैग्नीट्यूड वाली चीज है, ये चीज मैग्नीट्यूड। मेरी बात समझ में आ रही है? वेल दिस मैग्नीट्यूड डी आई आर मीन्स डायरेक्शन, बात समझ में आ रही? इस तरीके से बोलेंगे चीज। तो यहां दोबारा देखें तो इसी सिंबल में, ये तो सिंबल के समझने के लिए कि ये डायरेक्शन भी होती है उसमें ए वेक्टर में, और उसका मैग्नीट्यूड भी है यानी उसकी वैल्यू भी है, और मैग्नीट्यूड या वैल्यू हमेशा क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमें याद रखना, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। या इसके सिर पर एरो, एरो होगा तो ये वेक्टर को बताएगा,
क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक, अब बात कर रहे हैं इसकी, ये मैंने लिख दिया इसका सिंपल मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी इसको ऐसा भी कह सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर भी पढ़ सकते हैं। तो मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस, यही मॉड है, जल्दी में इसको मॉड बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ने का तरीका मैं यहां लिख रहा हूं, इसको कैसे पढ़ेंगे ए वेक्टर को, इसको पढ़ेंगे रीड करना, इसको कैसे रीड करेंगे? ए वेक्टर, ए वेक्टर, मेरी बात समझ आ रही? ए और एरो को पढ़ के वेक्टर, ए वेक्टर, इस तरह लिख करेंगे। मेरी बात आपको समझ में आई है? इस तरह से ठीक, इस तरह। अब दोबारा देखो, ए वेक्टर के दो टुकड़े हैं, इसकी वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन, तो दो अलग अलग तरह की चीज। देखिए एक में जो है डायरेक्शन वाली चीज है और एक में मैग्नीट्यूड वाली चीज है, तो मैंने जोड़ तो नहीं सकते, मेरी बात समझ में आ रही? एक ही तरह की चीजें हैं वो तो जोड़ सकते हैं हमें, मेरी बात समझ में आई आपको? यानी एक ही मैग्नीट्यूड है, तीन है, एक का मैग्नीट्यूड कोई चीज तीन मैग्नीट्यूड है और एक चीज है मैग्नीट्यूड वाइज चार, तो जोड़ सकते हैं, यानी सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटी जुड़ सकती है और घट सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। इसलिए दो अलग अलग है तो कैसे लिखेंगे इनको? पटक हो सकता है दो अलग अलग तरह की का, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे। हमें मैथमेटिकल चीजें या लॉजिक डेवलप करना चाह रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही? मैथमेटिकल लॉजिक या चीजें डेवलप करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे? देखिए ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन, ये इनटू डायरेक्शन है, यानी ऐसे भी लिखेंगे सीधे ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर, या ऐसे भी लिखेंगे आप इसको, देखो लिखने का तरीका और दोबारा ठीक है, कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे भी लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर की डायरेक्शन, ऐसा बोलेंगे। ये पार्ट क्या बोलेंगे? डायरेक्शन, डायरेक्शन, और ये मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ऐसे बोलेंगे। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बात समझ आ गया? तो सिंपली हमारे पास क्या रिलेशन आ गया? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, या ऐसे लिखेंगे ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे इस चीज को? दोबारा देखो, लैंग्वेज में लिखेंगे इसको डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन है ये? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी ए कैप इज इक्वल टू वो कंप्लीट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्या है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, बात समझ में आ रही? क्लियर हुआ आपको? नहीं हुआ ठीक। अब देखो आगे, ये हमारे पास फाइनल चीजें आई और इनको ऐसे लिख सकते हैं, कंक्लूसिव लिखे हैं हम, इस तरह लिख सकते हैं, ये भी हम बॉक्स में बंद कर सकते हैं और इस तरह ठीक, और वो भी हम बॉक्स में बंद कर सकते हैं, इनको बॉक्स में बंद कर लो आप इस तरह, यानी याद रहना चाहिए, इस तरह भी लिख सकते हैं, मेरे पास आ रही इस तरीके से। अब बात आती है, ये तो सिंपल इसकी बात हो गई, अब बात आती है कि मान लीजिए इस तरह कोई वेक्टर इस तरह भी होगा, मैं आपको बता दूं इस तरह एक वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एक तरीके से देखें हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं, ये पहला लाइन और ये दूसरा, ये फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर सेकंड वेक्टर, अब ये दोनों को जोड़ा और ये पूरा आया, तो ये पूरा कोई आगा नया तीसरा वेक्टर, दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी ये पूरा एक वेक्टर है नया अलग है। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे? इस वेक्टर के बारे में समझो, ये एक नहीं है जो हम एरो हटा रहे हैं, ए वेक्टर पर से एरो हटा देते, ए रह जाता, नहीं, ये दो का कॉम्बिनेशन है, समझ में आ रहा है? तो इस पर से ऐसे नहीं लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें हम तो ए प्लस बी, ना गलत हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, ऐसे लिखेंगे, एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन से लिखेंगे। इसकी डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे? ऐसे नहीं लिखेंगे ए कैप प्लस बी कैप या ए प्लस बी कैप, ना गलत हो जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे? सिर्फ कैसे
लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ ऐसे लिखेंगे लेंगे लिखेंगे वही बात है ना। अब आपसे कोई पूछे इसकी डायरेक्शन क्या होगी तो वही पर मैं ना लगाएंगे डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल कैसे लिखेंगे ए कैप प्लस बी कैप या ए प्लस बी होल का कैप ना ऐसे लैंग्वेज में बोल रहे हैं और डायरेक्ट क्या डेफिनेशन है वेक्टर अमाउंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर तो क्या लिखेंगे इसको वेक्टर क्या हो गया ए प्लस बी दैट इज वेक्टर कंप्लीट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड होगा पूरे वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मेरी बात समझ आ रही है इतना क्लियर हुआ आपको नहीं हुआ ठीक इस तरीके से क्लियर आपको यस कोई परेशानी हो यहां तो बताओ और पूछ लेना ठीक है तो ये यहां इस तरह है इसी तरह हम और कोई चीज भी ले सकते हैं देखो दोबारा ये आगे आएगा ये भी एक वेक्टर होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे रीड करेंगे इसको रीड करने का तरीका है इसको रीड कैसे करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो कैसे लिखेंगे इसकी डायरेक्शन को इसकी डायरेक्शन ऐसे लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ ये पूरा एक वेक्टर क्या है ये पूरा एक वेक्टर होता है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो कैसा है क्या है दैट कंप्लीट वेक्टर तो कंप्लीट क्या है ये पूरा कंप्लीट वेक्टर है अपॉन इस पूरे का मैग्नीट्यूड इस पूरे का मैग्नीट्यूड बात समझ आ रही मोड ऑफ दिस वेक्टर यानी डायरेक्शन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कंप्लीट वेक्टर ये कंप्लीट है ऐसे देखेंगे देखने की नजरिया डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्लीट वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ऐसे भी कोई पूछ सकता है आपसे डायरेक्शन क्या होगी इसकी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये भी एक वेक्टर होगा तो क्या लिखोगे आप कंप्लीट वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखना समझ में आया आप लोगों को क्लियर होगा नहीं होगा ठीक तो बात है चीजों को आप देखते हैं चाहे ज्योमेट्री से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्री ज्योमेट्री से जो वेक्टर को बताएंगे यानी कोई वेक्टर है जिसका सिंबल है ए वेक्टर और इसे ज्योमेट्री से बताना चाहे तो कैसे बताएंगे ज्योमेट्री में इसको एरो से बताएंगे ज्योमेट्रिकली कैसे बताएंगे एरो बाय एरो बाय एन एरो ऐसे बताएंगे ज्योमेट्रिकली यानी उसका एरो खींचेंगे मान लीजिए ये फोर्स का वेक्टर है कोई भी या कोई फोर्स वेक्टर आप ले रहे हैं एफ एफ ये है और एफ वेक्टर का फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 10 न्यूटन तो कैसे ड्रॉ करेंगे ज्योमेट्रिकली इसको देखो दोबारा एक स्केल लेंगे हम क्या लेंगे स्केल लेंगे स्केल लेंगे क्या लेंगे स्केल में मान लीजिए कोई भी 2 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर या 5 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर कोई का ऐसा स्केल लेंगे तो हमने क्या किया 2 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ये स्केल कहलाएगा क्या कहलाएगा स्केल कोई भी एक असली स्केल के हिसाब से इस जो दे रखा है जो भी वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स है वेलोसिटी है उसको कन्वर्ट करो कितना सेंटीमीटर आएगा वो तो सेंटर 10 सेंटीमीटर कितना हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर दैट सॉरी 10 न्यूटन कितना हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर मेरी बात समझ में आ रही है तो 5 सेंटीमीटर का एरो खींचेंगे दूसरा इसकी डायरेक्शन दे रखी है इधर की तरफ नॉर्थ इस तरह से तो क्या करेंगे हम इस तरह 5 सेंटीमीटर का एक एरो मतलब बहुत सारी लाइन खींचेंगे 5 सेंटीमीटर ये और इसको नाम बात हो रही है 5 बैटरी मान 5 बैटरी और एक तरफ एरो हेड बनाएंगे और इस पर क्या लेते हैं ये फोर्स वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना है मैग्नीट्यूड 10 मीटर कैसे पता लगा इसकी लंबाई कितनी है जब लंबाई निकालनी है दोनों तरफ एरो हेड लगाएंगे कितनी है इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर दोबारा कन्वर्ट करो लेंथ को न्यूटन में सेंटीमीटर एक कितना है 2 न्यूटन तो 5 सेंटीमीटर कितना हो गया 10
लेंथ ऑफ एरो जो बताएगी वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगी, इसको बताएगी रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ दी वेक्टर की लेंथ, इसको बताएगी वेक्टर के सॉरी एरो की लेंथ किसको बताएगी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगी, मेरी बात समझ में आ रही है, और एरो की डायरेक्शन किसको बताएगी डायरेक्शन ऑफ एरो विल शो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, बात समझ में आ रही है आपको, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगी, एरो की डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगी, यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को नहीं है क्लियर। अब देखो दोबारा से एक चीज और मैं बताता चलूंगा आपको, ये एरो है कोई भी इस तरह, ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाएगी एरो की टेन, इसे पूरा नाम कहेंगे एरो टेन या टेन एरो छोड़ देंगे, और इस चीज को क्या कहेंगे एरोहेड, क्या कहेंगे एरोहेड या हेड कहके छोड़ देंगे, मेरी बात समझ आ रही है, इस तरह इस तरह, ठीक है इस तरह। दूसरी चीज दोबारा हमने ये लिखा कोई एरो बना दिया, ये किस वेक्टर का एरो बनाया, वेक्टर का नाम है वेक्टर और उसका ये एरो, दोनों चीज कैसे बनाएंगे और कैसे लिखेंगे, तो अब कोई इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी आई, लेंथ देखने के लिए दोनों तरफ एरो हेड रखेंगे, इसकी लेंथ कितनी है ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड लेंगे इसका, तो मैग्नीट्यूड ही इसकी लेंथ को बताएगी, तो इसकी लेंथ कितनी हुई मॉड ऑफ ए वेक्टर या फिर क्या बोलेंगे ए। अगर ऐसे है कोई कोई ऐसे है और उस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर माइनस टू बी वेक्टर, ये पूरा ए वेक्टर हुआ, ऐसे तो देखेंगे दो हिस्से हैं इसके और, लेकिन अभी हमारे लिए विजुअलाइज हो रहा है एक, जैसे विजुअलाइज एक, तो इसकी लेंथ को मैं कहूं कि इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी आप बताइए, ए माइनस टू भी नहीं होगी, क्यों इसका मैग्नीट्यूड ए माइनस टू भी नहीं होगा, एक का तो एरो हटा सकते हैं, एक से ज्यादा भी नहीं आ सकते, हटा सकते मॉड करके रखेंगे, इसकी लेंथ कितनी होगी मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस टू बी वेक्टर, इसका प्रिंट का मॉड, मेरी बात समझ में आ रही है। इसी तरह ऐसे भी हो सकता है, देखो बार ये कोई एक वेक्टर है, आगे पढ़ेंगे हम वेक्टर कौन सा p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, जैसे a वेक्टर क्रॉस p वेक्टर बताया, इसकी लेंथ को क्या कहोगे आप, एक का केस है नहीं जो एरो हटा दें, मैग्नीट्यूड देख लेंगे इसकी लेंथ कितनी होगी, जितनी इसका मैग्नीट्यूड होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, पूरे को मॉड करके बोलेंगे मॉड ऑफ p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, मेरी बात समझ आ रही है, आ रही इस तरीके से ये जो मैं का तरीका बता रहा था, ठीक है क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक आगे चलते हैं ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली कैसे बताएंगे वेक्टर को, एरो से बताएंगे, ठीक है ये चीज सब इंपॉर्टेंट है आप लोग उसमें भी लेते रहना, ठीक ये तो हो गई यहां बात है, ठीक अब आगे चलते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर का वो है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, यूनिटी से नाम पड़ा ही है, यूनिटी का मतलब वन है, इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट, यानी क्या है। दूसरी चीज ये किसको बताता है, दिस शो दिस शोज ओनली डायरेक्शन, यानी ये डायरेक्शन को शो करने वाली कोई चीज है, यूनिट वेक्टर कुछ भी नहीं है, क्या है
unknown A vector. A unit vector in the direction of A vector. क्या होगा ये? ऐसे भी बोल सकते हैं इसको direction of A vector. क्या होगी? ये तो ठीक है. अब ये कह रहा हूं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगी? इज इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप या ए प्लस बी हो गया दोनों. क्यों? ये पूरा एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, सिंगल नहीं है, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे और ऐसे लिखेंगे. क्या डायरेक्शन? डायरेक्शन कोई पता था आपको? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ये बात समझ आ रही है? क्लियर होना नहीं हुआ? इसका मतलब ये है ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या कहलाएगा? ए कैप. और ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1. तो हम लिखेंगे ए कैप क्या है अपने आप में? एक वेक्टर है. जब वो यूनिट वेक्टर ही है तो वेक्टर. इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? ऐसे. ऐसा नहीं लिखेंगे ए कैप ना गलत. इसी तरीके से हम एक तरीका इस्तेमाल करेंगे कि एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, उसके अलावा जो यूनिट वेक्टर है उनको किससे बताएंगे. तो देखो यूनिट वेक्टर हम जो हम बताएंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो किससे बताएंगे? आई कैप से. इससे बताएंगे आई कैप. और यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस कन्वेंशनल तरीका चला रहा, यानी शुरू से जैसे हम यूज करते हैं x की तरफ x कैप नहीं, हम i कैप यूज कर रहे हैं, जो शुरू से एक आदत में आ रहा है. ये जी बाकी चाहो और पता ना तो बता सकते, कोई दिक्कत नहीं. एक ट्रेडिशनल तरीका होता है तो वो आदत में आ चुका. ये चेक यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव z क्या हो जाएगा? ठीक है, बस हमारे इस तरीके से करेंगे. अब आगे देखो आप लोग नेगेटिव x को नेगेटिव y की तरफ देखो कैसे करेंगे. यूनिट वेक्टर माइनस है, यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस y एक्सिस माइनस j का माइनस जेड एक्सिस माइनस, यानी जस्ट इसके ऑपोजिट है तो इसमें अपोजिट है तो इसमें भी नेगेटिव लगा दिया. माइनस एक्सिस के अलावा माइनस आई के, माइनस वाई के अलावा माइनस जे के, माइनस जेड के अलावा माइनस. दोबारा ये क्या है? यूनिट वेक्टर का डायरेक्ट वो बताया है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक एरो बताया उसको. इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ को ऐसे लिखेंगे और इसकी लेंथ कितनी होगी? 5. क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा यूनिट वेक्टर का? 1. और ये यूनिट वेक्टर का ही एरो बनाया है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 5. इस तरह से देखो तो आई वेक्टर देखो ऐसे एक्स वाई और ये ऐसे जेड होगा. इस तरह नेगेटिव एक्स इधर होगा, नेगेटिव वाई नीचे होगा, नेगेटिव जेड अंदर होगा, परपेंडिकुलर एंड इंडिपेंडेंट. तो ऐसे बनाते हैं ये ऑरिजिन. ऑरिजिन पर टेंजेंट क्या है उसकी? तो ये आई वेक्टर यहां से यहां तक आएगा. इसकी लेंथ कितनी होगी? 1. ठीक है, और यहां से यहां तक बना ये क्या हो गया? ये क्या? इसकी लेंथ कितनी होगी? 1. यहां से यहां तक बना ये क्या हो गया? ये क्या? इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ कितनी होगी? 1. कितनी होगी? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, दोबारा देखो माइनस आई कैप और माइनस जे कैप कैसे बनाने. दोबारा देखो इस तरह इधर जो होगा ये माइनस आ गया होगा यहां से और यहां तो लंबाई कितनी होगी? यूनिट वेक्टर की लंबाई कोई मान होगी माइनस वन ही होगी तो लेंथ नहीं कितनी होगी या कह दो इसका मैग्नीट्यूड इसकी लंबाई को बताएगा लेंथ को. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है. 1. नेगेटिव माइनस. दूसरी चीज देखो नेगेटिव पाई में देखो यहां से यहां तक क्या है? यहां से माइनस. ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? कोई बात यहां अंदर की तरफ आएगा ऐसे, अंदर की तरफ को ऐसे बताना है.
ये क्या है माइनस के लिए, इसकी भी लेंथ कितनी आ गई वन, नेगेटिव माइनस वन, क्योंकि लेंथ नेगेटिव। मेरी बात इतनी समझ पाई आप लोगों ने, क्लियर हुआ सब? ठीक है, आगे चलते हैं चीजों को लेकर। ठीक है, क्या करना है हम लोगों को, दूसरी तरह के वेक्टर हम पढ़े, एक पर एक और पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर और जीरो के बारे में पढ़े, इसी को देखते हैं। ठीक है, वेक्टर के अंदर कौन सी दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड एक उसकी डायरेक्शन, दो चीज। अब वो इक्वल कब होंगे जब वो दोनों ही चीजें सेम हो दोनों के अंदर, यानी दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, डायरेक्शन भी इक्वल हो, सीधी सी बात। तो इक्वल वेक्टर कौन सा होंगे, वो कैसा होगा, मैग्नीट्यूड सेम होंगे
डायरेक्शन होंगी कौन सा मैग्नीट्यूड कौन बताता है एरो की लेंथ ज्योमेट्री तो एक एरो ऐसा आना पड़ा था जो इसकी लेंथ के बराबर है आसान आ रही तो ऐसा ही ऐसे एरो बनाना इसमें इतनी लेंथ काटनी पड़ेगी इतनी काटनी इस तरह और इस तरह एरो इधर है इसका एरो है तो इधर से प्लेन से देखेंगे डायरेक्शन इधर है यानी ऐसे इसकी भी ऐसी होगी दो पैरेलल डायरेक्शन सेम होंगी ठीक है बी वेक्टर यानी बी वेक्टर ही क्या है अब दूसरा इसका नाम ए वेक्टर डायरेक्शन का मतलब पैरेलल तो बनाना पड़ेगा अब अगर पैरेलल में दो कंडीशन पॉसिबल है एक तो डायरेक्शन सेम वाली पैरेलल लाइन बनाने का एक ऑपोजिट का तो एंटी पैरेलल हो जाएगा इसका मतलब टाइम पैरेलल तो बनाना पड़ेगा लंबाई इसी का मतलब होनी चाहिए क्योंकि जितना इसका मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड लंबाई को बताएगा लेंथ को तो जितनी इसकी लेंथ है उतनी लेंथ इतनी होगी इसकी होनी चाहिए क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा इस तरह बनानी है ठीक है इस तरह से ठीक अब देखो हम लोगों ने इक्वल वेक्टर्स को समझ लिया दोबारा समझा देता हूँ इक्वल वेक्टर को जस्ट थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूँ क्या है कंक्लूजन क्या है इक्वल वेक्टर का ये ए वेक्टर है तो दूसरा ए वेक्टर बनाए तो कैसे बनेगा इस तरह ये भी वही डायरेक्शन होगी पहले ये भी क्या होगा ए वेक्टर वही लेंथ रहेगी और वही डायरेक्शन तब इक्वल होगी यानी कोई भी वेक्टर में दो चीजें उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन एक चीज भी बदल देंगे तो वेक्टर बदल जाएगा मैग्नीट्यूड बदल देंगे तो वेक्टर बदल जाएगा डायरेक्शन बदल देंगे तो वेक्टर बदल जाएगा दोनों चीजें बदल देंगे तो वेक्टर भी बदल देंगे यानी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब एरो की लेंथ यानी एरो बनाएंगे तो एरो की लेंथ भी सेम रखेंगे सेम वेक्टर्स की सेम माने इक्वल वेक्टर्स की और डायरेक्शन भी पैरेलल डायरेक्शन सेम होंगे या तो पास में पैरेलल इस तरह दोबारा देखो नंबर चार जीरो नंबर चार जीरो जीरो वेक्टर रह जाए जिसका मैग्नीट्यूड क्या है मैग्नीट्यूड इज जीरो जैसे ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कितना जीरो तो आसानी के लिए सही के लिए इसे किस तरह बोलेंगे जीरो वेक्टर कैसे कितना वेक्टर है और इक्वल टू स्केलर तो हो नहीं सकता तो ये वेक्टर इक्वल वेक्टर होगा तो ये है जीरो कुछ नहीं तो वेक्टर इक्वल स्केलर होता इसलिए ऐसा बनाया तो इसको क्या नाम देंगे जीरो वेक्टर तो जीरो वेक्टर यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा जीरो यानी एरो बनाना चाहे तो एरो की लेंथ कितनी आएगी जीरो ये ए वेक्टर आया यानी कौन सा वेक्टर आ गया ए वेक्टर का ही वैल्यू क्या थी जीरो यानी जीरो वेक्टर आ गया डायरेक्शन डायरेक्शन होगी नहीं क्योंकि लेंथ ही नहीं आई डायरेक्शन कैसे शिफ्ट ये जीरो मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को इस तरीके से लेकर चले कि आप आगे चले चीजों को लेकर देखो दोबारा चीजों को लेकर आगे चले तो देखो चले तीन नंबर चौथा नहीं हम लोग पहला वेक्टर क्या है पहला वेक्टर क्या होंगे पहला वेक्टर होंगे जिनके मैग्नीट्यूड भले कितने भी हो सकते एक दूसरे के मैग्नीट्यूड थ्री टाइम्स भी हो सकता है फोर टाइम्स भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकते हैं अनइक्वल भी हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन सेम होना जरूरी है पहला डायरेक्शन तो डायरेक्शन सेम की क्या होगी डायरेक्शन तो डायरेक्शन आएगी डायरेक्शन साथ सेम तो कैसे होंगे देखो ज्योमेट्री से बताए ये ए वेक्टर है और ये क्या है बी वेक्टर तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है अलग अलग है बी का ज्यादा है ए का कम है ऐसे नहीं कहेंगे बी वेक्टर इज मोर देन ए वेक्टर ये रॉन्ग है ठीक है और डायरेक्शन सेम है कैसे समझ में आया क्योंकि पैरेलल डायरेक्शंस क्या होती है पैरेलल डायरेक्शंस क्या होती है सेम होती है इसे कहेंगे ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग ठीक है इस तरीके से करेंगे अब बात आती है एंटी पैरेलल वेक्टर से
अब बता दिया एंटी पैरामीटर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कैसे होंगे, जिनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, डायरेक्शंस ऑपोजिट देम वन। ये कोई सी वेक्टर है, ये कोई सी वेक्टर है, और ये कोई डी वेक्टर, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट, यानी एंटी पैरेलल डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो पैरेलल ठीक है, और लेंथ वाइज कम ज्यादा हो सकता है, लेंथ का मतलब है वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन डायरेक्शंस क्या होंगी, इसे बोलेंगे सी इज एंटी पैरेलल टू, एंटी पैरेलल टू डी, बोलने का तरीका समझ में आया। अब बात करें आगे चीजों की, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, तो देखो कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसको थ्री से मल्टीप्लाई करना, पहला इस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई, ये वेक्टर है और ये स्केलर है, कौन सा स्केलर है, पॉजिटिव स्केलर, मेरी बात समझ में आ रही, कौन सा स्केलर, तो देखो मल्टीप्लाई करने में क्या आ गया, ये कोई अलग वेक्टर आया, ये भी क्या आया, वेक्टर आया लेकिन इससे अलग, ये तो इसके अंदर, तो हम रिलेशन लगा देना कि थ्री वेक्टर और ए वेक्टर में क्या रिलेशन है, ये इनके मैग्नीट्यूड्स में क्या रिलेशन है और उनकी डायरेक्शंस में क्या रिलेशन है, ये काम आते हैं, ठीक है, इसका तो दोबारा B वेक्टर को हम मान लें, A वेक्टर, 3 वेक्टर को हम मान लें, क्या मान लें, B वेक्टर, लेट मान मान लें, ठीक है, ठीक, तो हम क्या करें, आप इन दोनों तरफ का मॉड ले लें, B वेक्टर का मॉड ले लें तो कितना आ गया 3A वेक्टर का मॉड, B वेक्टर का मॉड लें, B वेक्टर का मॉड तो भी कहलाएगा 3A वेक्टर का मॉड 3B का मॉड है, 3 2A वेक्टर है उसका मॉड है, तो 3 का मॉड 2A वेक्टर का मॉड, और B इज इक्वल टू थ्री का मॉड थ्री इंटू ए वेक्टर का मॉड थ्री, यहाँ इसको क्या कहते हैं फर्स्ट, इसको क्या कहते हैं हम सेकंड, मेरी बात समझ में आ गई, तो क्या करें हम इसको फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करते हैं, हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, बी वेक्टर इधर क्या आया थ्री ए वेक्टर, इधर क्या आया बी, इधर क्या आया थ्री ए, तो क्या रिलेशन आ गया, देखो फाइनली हमारे पास ये चीज क्या आई, ये चीज क्या आई, कंप्लीट वेक्टर बी वेक्टर इज अपॉन उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर की डायरेक्शन, कंप्लीट वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस कंप्लीट वेक्टर कौन है, ए वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन, यहां पर हम कंप्यूट करके चीजों को तो क्या बोल रहा है, इसे क्या बोलेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसे क्या बोलेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के 3 टाइम्स है, बी वेक्टर का दोबारा नाम दे दूंगा 3 ए वेक्टर, इसे दोबारा बोलेंगे 3 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के 3 टाइम्स, क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड of 3a vector is 3 times magnitude of a vector. तीसरे ने क्या बताया, थर्ड पार्ट, थर्ड इक्वेशन, b वेक्टर की डायरेक्शन a वेक्टर की डायरेक्शन इक्वल इक्वल माने सेम है, तो b वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब b वेक्टर का नाम क्या है 3a वेक्टर, यानी 3a वेक्टर की डायरेक्शन और a वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, ए वेक्टर थ्री वेक्टर सेम है, इसका मतलब ज्योमेट्री में बताना चाहें तो कैसे बनाएंगे, ए वेक्टर को थ्री ए वेक्टर को, तो ए वेक्टर दे दे वो खुद, तो थ्री ए वेक्टर कैसे बनाएंगे, ये ए वेक्टर मान लीजिए उसने दे दिया, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी ए, थ्री ए वेक्टर की लेंथ कैसे बनाएंगे, थ्री ए वेक्टर की लेंथ कैसे बनाएंगे, इसकी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड कितना, 3 टाइम्स का मैग्नीट्यूड, यानी इसके एरो की लेंथ, इसके एरो की लेंथ 3 टाइम्स है, इसकी लेंथ ए है तो इसकी 3 होगी, यानी 3 टाइम्स, तो और लंबाई का लेंथ, माफ कर दें, डायरेक्शन सेम कब होगी, जब पहले लंबाई
आएंगे तो दोनों तरफ एम आई को दूसरा केस ना इसी दूसरा केस क्या है नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई है कौन से स्केलर से मल्टीप्लाई करें नेगेटिव स्केलर से तो देखो नेगेटिव स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करें तो बात नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करें दूसरा केस ए वेक्टर है और इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस बी ये क्या है वेक्टर और ये क्या है स्केलर है और कैसा स्केलर है नेगेटिव तो क्या आ गया मेरे पास मल्टीप्लाई करने का ये आ गया और ये क्या आ गया कोई नहीं अलग ए वेक्टर अलग है माइनस कोई बिल्कुल अलग जैसे ये देखो